नागपुर सुरक्षा बल की ओर से गुरुवार को कार्रवाई करते हुए अवैध शराब सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बल ने रेड के दौरान नागपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर मुंबई छोर की ओर दो व्यक्ति को संदिग्ध हालत में दो बैग के साथ दिखाई दी। पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम पिंटू उइके और गुरुनाथ देव बताया गया। दोनों बल्लाशा निवासी है। बैग के संबंध में पूछताछ करने पर उसमें शराब होने का बताया गया। बाद में दोनों को बैग के साथ आरपीएफ थाना नागपुर लेकर आए, जहां दो पंचों समक्ष बैगों को खोलकर देखने पर शराब की 190 बोतलें मिली, जिसकी कीमत 13,400 बताई जा रही है। दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है।